करता तुम्ही विश्व ज्योति में ए प्राण भरता तुम्ही काल के काल हो चक्रधारी स्वीकारो स्वयं वंदनाब हमारी पर लगा है ये महल और इसके साथ करोड़ों रुपए की दौलत। एक जरा सी भी गलती हम तीनों को तबाह कर सकती है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरे प्लान पर होशियारी से अमल करेंगे। अब हमारा पहला कदम है कि उस शख्स को तलाश करें, उसकी हर चाल पर गहरी नजर रखें और मौका आते ही गर्म लोहे पर वार करें। राजेश, हर काम में तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली प्रमाणित हुए हो। आज भी तुम्हारे बताए हुए सभी घोड़े जीते हैं, मुझे बहुत लाभ हुआ है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। श्याम बाबू, आप मुझे काम की तनख्वाह देते हैं, अपना मित्र समझते हैं, मेरे लिए इतने काफी है। राजेश, मैं तुम्हारे इसी स्वाभिमान पर मोहित हूँ। खैर, कल सवेरे 10 बजे आ जाना। जी। या खुदा, ए भगवान, ओ गॉड, एक बार मेरी बिगड़ी हुई किस्म बना दो, एक बार, सिर्फ एक बार। ये क्या चक्कर है प्यारे? सुन ली, अरे सुन ली देवताओं, तुम सबने मिलकर मेरी सुन ली। प्यारे दोस्त, एक बार क्लब में चलो, अपनी उंगलियों का और इस ताश का कमाल दिखा दो, फिर भले ही निकाल देना। मैं तुमसे तो कोई नई चीज छुपा कर नहीं रखता जिमी। कहो कैसे आए? अब तो आपकी तबीयत का साज नए अंदाज में बजेगा मोदी साहब। क्या मतलब? जो काम आपने मुझे सौंपा था उसमें मैंने फतेह पाई, जिसकी तलाश थी
उसे पा ली। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। ब्लाइंड मैं ना सुन रहे शोध। ये लो तुम्हारा पैसा। यू आर वेरी लकी। प्यारे ये लो तुम्हारे 12वें बच्चे की पैदाइश के लिए। अरे कर दिया कमाल। आदमी स्मार्ट है, खूबसूरत है और पर्सनैलिटी भी है। मेरा नंबर 13 और 13 नंबर बड़ा अनलक्की होता है यार। इनके लिए सब लकी नंबर है सरदार जी, तेनु की पता। 13 नंबर मगर हाथ में आना चाहिए। हाथ में आएगा मोदी साहब, जाएगा तो जाएगा कहाँ। 13 नंबर क्या बात है। तेरा कखना रवे कर दिया कमाल। और ये तेरे पिता के श्राप के। थैंक यू। माँ अगर तुम्हारे बेटे की उंगलियों में कुछ ऐसा कमाल है कि जिससे वो किसी जीते हुए जुआरी की जेब पाए, उसी की मर्जी से उसी के हाथों से निकलवा कर अपने किसी जरूरतमंद दोस्त को दे देता है तो क्या गुनाह करता है। और फिर तुम तो जानती हो कि मैं अपने लिए एक पैसे का भी जुआरी खेलता हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि तेरे पिताजी भी दोस्ती के नाम पर धोखा खाकर बर्बाद हुए और फिर गम गलत करने के लिए जुए की लत में पड़कर कहीं के न रहे, इसीलिए आज हमें ये दिन दिखने पड़े। माँ तुम फिर रोने लगी। तुमसे कितनी बार कहा कि भगवान रोने वाले की आंखों में आंसू ही आंसू और हंसने वाले के दिल में खुशी खुशी भर देता है, इसलिए हमेशा हंसा करो और हंसाया करो। लाओ खाना लाओ। तुमने चंदा नहीं खा लिया? मुझे नहीं खाना है। माँ तुम नाराज ही रहोगी। अच्छा मेरा वकील कहाँ है? उसी से कहता हूँ कि तुम्हारे सामने दलील पेश करके मुझे माफ करवाए। चंदा यही तो हूँ, लेकिन इतना चिल्ला क्यों रहे हो भैया? माँ के इल्जाम सुने तुमने? तो गलत थोड़ी कह रही है। देर अवेर से आओगे, ठीक से खाना नहीं खाओगे, 10 मिनट उनके पास बैठकर बातें नहीं करोगे तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। बैठो माँ। जब तक ये हामी नहीं भरेगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। भैया मैं हामी भरता हूँ कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। अब तुम भी हामी भरो कि तुम रोओगी नहीं बल्कि हंसोगी और हंसाओगी, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अरे शैतान सिगरेट खा ले। पहले हंसो। मामा जी हेलो मंजू, हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है। हाँ डैडी का लेटर भी आया है। मैं 2-4 दिन में दार्जिलिंग जा रही हूँ। पिकनिक आज ही मामा जी से पूछकर चलते हैं। तुम ऐसे करो, रीता सबीना सविता सबको लेकर यहाँ आ जाओ, मैं तैयार रहूंगी। ओके बाय बाय। रूपा बेटी अभी आई। अरे बेटी। मामा जी आपके आशीर्वाद से पूरे कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ। तो क्या मेरी भांजी सेकंड आने वाली थी? रूपा बेटी मेरी एक जिम्मेदारी तो पूरी हुई, अब इसी तरह दूसरी जिम्मेदारी में भी फर्स्ट पास हो जाओ। क्या मतलब? इतनी होशियार हो मतलब खुद समझ जाओगी। 4 बजे शाम आ रहा है। श्याम? कौन श्याम मामा जी? उसकी जितनी तारीफ करूँ कम है बेटी। अरिस्टोकेट, वेल एजुकेटेड, बिग बिजनेसमैन। किसी की ये खूबियाँ मुझे क्या बता रहे हैं? बात ये है कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारे माता पिता भी राजी हैं। यानी मेरी शादी के लिए? हो शादी मेरी, राजी हैं आप लोग? देखने आ रहे हैं वो साहब जैसे मैं कोई तमाशा हूँ, खिलौना हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक्सक्यूज माई लैंग्वेज मामा जी, आप लोगों ने लड़कियों को इंसान ही कब समझा है?
एक अनजान आदमी आता है, पुतली जैसी बेजान लड़की की जांच पड़ताल करता है, और अगर पसंद कर लेता है तो पत्नी का नाम देकर दासी बनाने के लिए ले जाता है। सॉरी, शादी करने का फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। बेटी, हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ना पसंद हो तो कुछ मत कहना, पसंद हो तो बता देना, जोर से नहीं तो धीरे से काम में देना। लेकिन मामा जी, मुझे 5 बजे एक जरूरी काम से पहुंचना है, उसे बुला लिया है तो खातिर करनी ही पड़ेगी, ये मेरा हुक्म है। जी आई मीन टू से रिक्वेस्ट है। बुरे फंसे। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं, अति सज्जन बिजनेसमैन, उनकी एक भांजी है रूपा देवी, इसी वर्ष बीए पास किया है। निश्चय हुआ था कि आज मैं उन्हें देख लूं ताकि विवाह की बात निश्चित हो जाए, लेकिन अचानक मुझे एक ऐसा काम आ पड़ा है मैं जा नहीं सकता। जी आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं और शादी करके उन्हें आपके पास ले आऊं, अगर आपके पास समय ना हो तो। इस वक्त केवल ये पत्र लेकर जाओ और अपने हाथ से रूपा देवी को देना जी। और मेरी गाड़ी लेकर जाओ। अच्छा, अरे हाँ भाई लक्की, आ जाओ। वाह वाह, क्या अली शान मकान है भाई, वाह। क्या हुआ हो? अरे कमर का मुर्ता भी डाल दिया। आवा, हम तो हर कपड़ा भी बदलाई दे और कमर में बांध भी लगाए। अरे बांध भी नहीं, पहले कपड़ा। अरे बबुआ जी। जी नमस्ते जी, मुझे मिस रूपा से मिलना है। पहले मुझसे मिलो, मैं उसकी दादी हूँ। बैठो बैठो बैठो। है इधर बैठ जाओ। अब खड़े हो जाओ। जरा लंबाई ज्यादा है, 1 इंच कम होती तो ठीक था। है कोई बात नहीं, रंग अच्छा है, मगर थोड़ा और गोरा होता तो ठीक था। है कोई बात नहीं, खूबसूरत, लेकिन जरूरत से थोड़ा कम जी। खैर कोई बात नहीं जी, मैं आपकी इन बातों का मतलब नहीं समझा। समझ जाओगे, कहाँ तक पढ़े हो? एमए जी। नहीं, मैट्रिक फेल, कोई इतराज है? हंसी मजाक भी कर लेते हो, खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, शादी के बारे में तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? अभी तक सोचा नहीं। सोचा नहीं, फिर ये कैसे समझ लिया कि लड़की गाजर मूली है? बाजार में गए, पसंद किया और अपनी मिल्कियत समझ कर ले आए। दादी जी मुझे जरा जल्दी है, अगर आप 1 मिनट के लिए मिस रूपा को बुलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे रूपा ने तो कॉलेज ड्रामा से भी ज्यादा कमाल कर दिया। क्या बुढ़िया दादी बनी है कि मियाँ जी की होश ही उड़ गए। अरे ये मतलब ऐसे ठीक होते हैं। अरे अरे वाह वाह रूपा, तेरा तो जवाब नहीं, तुमने तो कमाल ही कर दी। क्या खाक कमाल की? इधर हमारी पूरी तैयारी है, मिठाई में मिर्च और चा में नमक। मेरा ख्याल है सब टाली जाओ। क्यों, हाल कुछ बेहाल है क्या? ऐसा लड़का बुरा नहीं है, यानी लड़का पहले नजर का थी। अच्छा भाई, मैं तो कपड़े बदलने जा रही। नहीं भाई, ये ड्रामा तो जारी रहेगा। अच्छा बाबा, जो तुम्हें ठीक लगे वो ही कर। हाँ फंस गया यार, ऐसा लगता है ये बुढ़िया सीधा पागल खाने से आई है। तू एक काम कर, ये खर्च तुम मिस रूपा को दे देना। सुनो, ये क्या है? सॉरी, इस तरह किस्सा मैं बाद में बताऊंगा। दरअसल ये बुढ़िया ही मिस रूपा है। क्या मतलब? अरे लकी मैन, मैंने अपनी आंखों से सुना और कानों से देखा है, इन लड़कियों ने तुम्हारे बॉस को उल्लू बनाने का प्रोग्राम बनाया था। लकी मैन, अरे इस वक्त मर्दों की इज्जत खतरे में है, हमारी नाक कट रही है, कुछ करो। ऐसा तो आगे आगे देखिए होता है क्या। चिट्ठी
दादी जी। अरे बबुआ ये कौन है? दादी जी ये मेरा दोस्त है मिस्टर प्यारे। अच्छा अच्छा तुम दोनों बैठो कुछ खाओ पियो, रूपा अभी तैयार हो क्या? हाँ दादी जी जल्दी क्या है, उन्हें तैयार होने दीजिए जब तक मैं आपके पास बैठती हूँ। बैठिए बैठिए। अच्छा बैठ जाती हूँ। लकी मैन तुम दादी अम्मा से बात करो तब तक मैं कुछ खा लूं। हाँ तो दादी जी जब आपकी शादी हुई थी तो आपको भी दादाजी पसंद करने आए थे? हरगिज नहीं हरगिज नहीं। तुम्हें बताओ मर्दों ने लड़कियों को समझा क्या है, खिलौना कठपुतली दोनों घर संसार की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मैंने तो साफ कह दिया अगर वो पसंद करने का हक रखते हैं तो मेरा भी हक है। कमाल है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिछले जन्म में आप मेरी सगी दादी थी। जी इसलिए कि आपके अब मेरे ख्याल बिल्कुल मिलते जुलते हैं। दादी जी मेरे ख्याल में भी शादी के लिए लड़के को नहीं बल्कि लड़की को पसंद करने का अधिकार होना चाहिए। हमारे समाज को सोचना चाहिए कि शादी पर लड़की अपना घर बार छोड़ती है, माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों से नाता तोड़ती है, अपनी जिंदगी का रुख मोड़ती है, अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ती है और अपना सब कुछ समर्पित करके एक अनजान को स्वामी मानकर उसके इशारे पर चलती है, उसके सांचे में ढलती है। और जीवन साथी चुनने का अधिकार लड़के को? नहीं 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 नहीं, ये सरासर बेइंसाफी है बेइंसाफी है बेइंसाफी है। वाह वाह ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरा मतलब है रूपा की खुशकिस्मती। बातें हो मुलाकातें हो एक दूसरे उग जाने की कोशिश करें। जी आज वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है, बेटा तुम भी साथ चले जाओ अगर आप चाहती हैं तो। रूपा बेटी अभी तक तैयार नहीं हुई, कहाँ हो जल्दी करो। चाय मैं मर गया 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 मर गया। ये देखो ये देखो ये देखो मिठाई में मिर्ची। कैसा बनाया? अरे लकी बहन तुमने तो कमाल ही कर दिया, क्या पासा पलटा है। आहिस्ता आहिस्ता देखते जाओ अभी तो शुरुआत है। रूपा देवी रूपा देवी। नमस्ते जी, मुझे रूपा से मिलना है। मेरा नाम रूपा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा मतलब नमस्ते जी। आपकी दादी जी ने कहा था कि आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। ऐतराज कैसा, आप भी चलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दादी जी बहुत अच्छी हैं। सुनिए जी चांद से मुखड़े पर शोभा नहीं देता है। जी चश्मा ओ इसे उतार दीजिए। आप भी आइए। आप मेरी सहेलियों से अलग करके मुझे अपने साथ अकेले में यहाँ क्यों ले आए? इसलिए कि जब मुलाकात हुई है तो अकेले में बात भी हो जाए। दुनिया वाले पूछेंगे तो क्या कहूँगी? मुलाकात के बारे में? हाँ बात के बारे में। हुँ? ये तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे।
बात अगर कोई पूछे क्यों नैन तेरे झुक जाते हैं, तुम कहना इनकी आदत है, ये नैन यूं ही शर्माते हैं। तुम लोगों से ये ना कहना, सांवरिया से लागे नैना, सांवरिया से लागे नैना। ये दुनिया वाले पूछेंगे देवी। मुझे आपसे कुछ कहना है लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं, इसलिए ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। जो आप कहना चाहते हैं मुझे मालूम है, आपके हर सवाल का जवाब मेरी हां में ही समझिए। लेकिन इसमें सवाल नहीं जवाब लिखा है। अपने सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ, खबरिया श्याम। क्या लिखा है इस लव लेटर में बताओ ना रूपा। धोखेबाज, चालबाज, जालसाज। क्या? हमें बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। ये बना के भगवान भेजता है, मैंने सिर्फ साबित किया। मुझे भगवान ने ये दिन देखने से पहले ही क्यों इस दुनिया से उठा लिया। ये देख अपनी लाडली बहन के लक्षण। चंदा के नाम प्रेम पक्ष। तुम्हारा रमेश, मैं इस रमेश के बच्चे को गोली छोड़ा दूंगा। ये कौन है? कोई भी हो, जब अपना ही दाम खोटा तो परखने वाले का क्या दोष। तुम नहीं जानती माँ, लड़कियाँ भोली होती है, लड़के ही है जो मीठी मीठी बातों में फुसला कर लड़कियों को बरगलाते हैं। लेकिन शायद वो नहीं जानता उसने किसकी बहन पर नजर उठाने की जरूरत की है। 257 चित्रंजन एवेन्यू। लेकिन राजे, जोश में कोई ऐसी ऐसी बात मत कर बैठना, आखिर जवान लड़की का मामला है। जो कुछ मुझे करना है माँ, उसके लिए ना लड़की की परवाह करूंगा, ना इसकी और ना अपने। मिस्टर रमेश यहीं रहते हैं? यहीं है। आप कौन है? उन्हीं से काम है, उन्हीं से बात करूंगा।
अरे सुनिए जरा फिर। चंदा, जब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो शादी से कभी इनकार नहीं करेंगे। शादी के बच्चे कौन हो तुम? रमू? अरे राजेश, हूँ राजेश। राजेश, ओ राजेश, रमेश। माँ, क्या है बेटा? जल्दी खुश हो जाओ, देखो कौन आया है। नमस्ते माँ। भगवान, मेरी बेटी के लिए भी इतना ही अच्छा लड़का ढूंढ देता तो। इसीलिए तो मिलता ही पकड़ लाया हूँ। क्या मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। अम्मू, तुम्हें याद है मेरी एक छोटी सी नन्ही सी बहन मुन्नी? हाँ, वो मुन्नी एक गुंडा है जो उसे बहका रहा है, छिप छिप के उससे मिलता है, उसे प्रेम पत्र लिखता है। अच्छा, अब मुन्नी उसकी बातों में आ गई है और शादी के सपने देखने लगी है। यू डोंट वरी, ऐसे स्ट्रीट रोमियो से मुझे सख्त नफरत है। मैं इन शौले लफंगों को उल्टा टांग के कुड़े लगवाता हूँ और 2 साल के लिए जेल भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छे माँ, ये उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा देगा और उल्टा टांग के कुड़े लगवाएगा। जो ठीक समझे वो करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय ले आती हूँ। जरा जल्दी लाना। क्या बात है यार, राम हूँ तो जरा बैठ में आता हूँ। ठीक है। कहाँ से आ रही है? कॉलेज से। इतनी जल्दी? आज जरा जल्दी छुट्टी मिल गई। बहुत प्रेम पत्र आने लगे तुम्हें आजकल। अरे पहले देखो तो कौन आया है, पहचानो। अरे क्या हो गया तुम दोनों? ये मुन्नी है उर्फ चंदा कुमारी दीक्षित, मेरी छोटी बहन, और ये है मेरे बचपन के दोस्त रमू उर्फ रमेश चंद्र त्रिपाठी। मिलाओ दोनों हाथ, हाथ मिलाओ। भैया। कहिए जनाब, उस शोधे लफंगे को उल्टा टांग के कोड़े लगवाने हैं या 2 साल के लिए जेल में भेजना है? शर्मिंदा मत करो राजेश, जो वादा मैंने चंदा से किया है और भी मजबूत हो गया ये जानकर कि वो तुम्हारी बहन है। यानी कि मुझे साला बनाने का प्रोग्राम है। राजेश, माँ क्यों चिल्ला रहा है, ये ले चाय। माँ, तुमने भगवान से ऐसा लड़का मांगा ना, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। क्या मतलब? यानी कि रमू वही शख्स है जिसने मेरी बहन को प्रेम पत्र लिखने की जरूरत की। अच्छा, यानी कि रमू और चंदा की शादी। शादी तो तय कर दी, लेकिन कुल जमा पूंजी है ये 4-5 गहने और 2000 रुपए। तो बोला बेटी की शादी कैसे होगी? बोलो कितना रुपया चाहिए शादी के लिए? मेरा बस चलता तो 30-40 हजार पर जरूर खर्च कर। बस सिर्फ 30-40 हजार? 30-40 हजार मैं इंतजाम करूंगा। कहाँ से? हिम्मत इंसान, मदद भगवान। बहन की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारा शहर कहेगा कि राजेश की माँ ने गढ़ा हुआ धन अब निकाला है। अभी जाता हूँ। अपने लिए खेलना चाहता हूँ, सबको बराबर का चांस है, कोई है जो मेरे साथ खेलेगा? जिमी, जिमी आप अकेले हैं, साथी हाजिर। नया खेल, नई ताश। आपकी ताश आप ही बांटिए। थैंक यू। काटिए। और कितने की लिमिट? फ्लैश में लिमिट के का सवाल, जो
जो दिल में आ चली। हाँ या पार बीस का ब्लाइंड मेरे भी 20 40 40 80 80 100 100 बाजी कुछ गर्म हो चुकी है, पत्ते देखने चाहिए। दोस्तों क्या मैं आपके करीब खड़ी हो सकती हूँ? शौक से। थैंक यू। रात में भी काला चश्मा लगाती हैं आप? जी। आंख मिलानी हो तो शीशा हटाइए बीच में। आई एम सॉरी। जेबें खाली हो गए और अगर मैं कहूं कि जेबें भर लीजिए जुए में उधार नहीं आखिरी हार या आखिरी जीत अगर इतना ही जोश है तो अंदर आइए आपको मेरी जरूरत है और मुझे आपकी आइए आइए ये लीजिए अपना लगत निकालिए ताश और कीजिए खेल शुरू आपके साथ हार जीत का नहीं बल्कि बराबर की बाजी का खेल खेलना चाहता और किसी खेल में मुझे दिलचस्पी नहीं है पैसे की जरूरत है इसीलिए खेल रहा हूं ये लो 10,000 20,000 40,000 जितनी जरूरत हो ले लीजिए अपनी बहन की शादी के लिए जी आपको कैसे मालूम मैंने मालूम किया है यूं समझ लीजिए कि मैं आपका एक अनजान दोस्त हूं मैं आपकी सच्चाई शराफत और ईमानदारी का कायल हो चुका हूं इसे आप कोई मेरा एहसान मत समझिए मैं इसके बदले में आपकी थोड़ी सी मदद चाहता हूं कैसी मदद सुनिए दार्जिलिंग में टी प्लांटेशंस के 1 करोड़पति मालिक सेठ दीनानाथ वो बेचारे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं उनका इस दुनिया में एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं और जिंदगी के आखिरी वक्त वो उस भतीजे से मिलने के लिए बहुत बेचैन है बड़ा आसान काम है भतीजे को भेज दीजिए वहां खुशकिस्मती से कहिए या बदकिस्मती से वो भतीजा मैं ही तब तो और भी आसान है बल्कि ऐसे वक्त है उनके पास रहना आपका फर्ज है मजबूरी ने फर्ज को रोक दिया है राजेश बाबू मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मगर वादा कीजिए ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे और मुझे मुसीबत से बचाएंगे देखिए आपने मुझे दोस्त कहा है और मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझसे भी जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा तो फिर सुनिए मेरे पिताजी गरीब और बेकार थे हम सब लोग चाचा जी के सहारे पलते थे वो हमेशा हमें खरी खोटी सुनाया करते थे एक दिन दौलत और जवानी के घमंड में
उन्होंने पिताजी पर हाथ उठा दिया तो मेरा बचपन नफरत और पागलपन में बदल गया और पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए मैं चाचा जी को मार रहा था। खैर जाने दी, मैंने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया और कसम खाई कि जीते जी कभी उस घर में दाखिल ना होगा। माता पिता गुजर गए लेकिन ना मैंने अपनी कसम तोड़ी ना उसूल छुआ। तो फिर आप क्यों अपनी ये कसम तोड़ना चाहते हैं, मुझे वहां भेजना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, इस उम्र में उन्होंने अपनी गलती महसूस की है, उनके दिल में ममता जागी है। फिर मेरा भी ये इंसानी फर्ज है कि मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूं, लेकिन मुझ जैसे नहीं बल्कि आप जैसे शरीफ आदमी के रूप में वो रवि को देखकर बेहद खुश होंगे। रवि? जी हाँ, जब मैंने घर छोड़ा था तो घर का नाम भी वहीं छोड़ दिया था और आप लोग मुझे मोती के नाम से जानते हैं। लेकिन नकली के लिए असली बनना कोई आसान काम नहीं है। आपके लिए हर मुश्किल आसान है अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो। 10 साल के बच्चे और 28 साल के नौजवान में जमीन आसमान का फर्क होता है राजेश बाबू। मैं आपसे आपके 18 साल पहले की जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए, जिन्हें मुझे शौक नहीं है। आप अपने अंकल को कैसे पुकारते थे और आपके अंकल आपको कैसे बुलाते थे? जी मैं उन्हें अंकल कहता था, नॉट चाचा, और वो मुझे रवि। और उनकी आदतें, शौक, रहन सहन, मकान, नौकर चाकर? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, एक एक बात लिख कर दे दूंगा। ये कैसे कीजिए एक बार, आपके बचपन की आदत है? जी हाँ, और अंकल मुझे हमेशा टोका करते थे। तब तो हर मुश्किल आसान हो गई, लेकिन एक मुश्किल रह गई, अगर मेरी मौजूदगी में आपके बीमार अंकल को कुछ हो गया या तो आप करोड़पति बन जाएंगे या मैं। जी करोड़पति आप ही बनिएगा, मुझे उसका कोई शौक नहीं है। ये लीजिए, अपनी बहन की शादी कीजिए। पधारिए पधारिए पधारिए। सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन राजेश मुझे तुमसे शिकायत है, चंदा तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है, इस शुभ कार्य के लिए तुम्हें मुझसे आर्थिक सहायता लेनी चाहिए थी लेकिन तुमने किसी और से ले ली। अरे राजेश बेटा, तुमने बहस मत करो माँ, बस इतना जान लो कि भगवान की कृपा से तुम्हारी मनचाही पूरी हो गई है, मैं भी आता हूँ। अजीब लड़का है, आइए आइए। आपकी जानकारी के लिए जो तफसील आपने चाही थी वो इसमें मौजूद है और साथ में खर्च के रुपए भी। शुक्रिया, लेकिन होशियार रहना, अगर ये कागजात किसी के हाथ में पड़ गए तो वो जरूर अपने आप को मेरे अंकल का भतीजा साबित कर देगा। आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी हर तरह से अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी ट्रेन का टाइम हो गया मिस्टर राजेश। रवि कहिए, रवि, रवि, आई मीन रवि। भैया माँ से कुछ मत कहना और उनका ख्याल रखना, मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। वाह भैया वाह, मुझे पराए घर भेजकर तुम खुद कहाँ जा रहे हो? अगले एक भाई के लिए बहन कभी पराई नहीं होती है, इसलिए तो संसार का नियम है कि हर भाई हर बंधन को तोड़कर साल में एक बार बहन से जरूर मिलने आता है राखी बंधवाने के लिए। मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है, पढ़ाई कैसे हो जाएगी? नहीं भैया नहीं, तुम मत जाओ। चंदा तू यहाँ खड़ी हुई है? अरे वाह, अरे भैया से क्या बातें हो रही है? इस वक्त राजेश राजा दीनानाथ का 18 साल का बिछड़ा हुआ भतीजा रवि बनकर दार्जिलिंग के रास्ते पे जा रहा है और हमें महलों में रहने के रास्ते पे ला रहा है। दार्जिलिंग स्टेशन से पहले होम स्टेशन पर उतर जाना, वहां अंकल की गाड़ी तुम्हारा इंतजार करेगी। सॉरी, आई एम सॉरी। Thank you.
बहुत खूब, बहुत खूब। माफ कीजिए, आप मेरे काम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। माफ कीजिए, इससे कुछ ज्यादा ही जान पहचान मालूम होती है आपकी। लेकिन आपको कोई इतराज? बिल्कुल नहीं। एक खूबसूरत नौजवान एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाए तो उसके पिता को क्या एतराज हो सकता है? जी, आप रूपा देवी के पिता? जी जी, मुझे मालूम होता तो मैं तो आप इसकी तस्वीर नहीं बना। अजय साहब, हर लड़की किसी न किसी की तो बेटी होती है। ओह, स्टेशन आ गया, नमस्ते। ओह, ये अपनी रक्षा के लिए। हाँ, माफ कीजिए, इसमें मेरा कसूर नहीं। गाड़ी 3 दिन पहले आ चुकी। मैं आपके चाचा दीनानाथ का ड्राइवर हूं। चलिए। समझा 18 साल 6 महीने के बाद आया हूं तो क्या अंकल का पैलेस याद नहीं रहा मुझे? मालिक का हुक्म है कि आपको दार्जिलिंग के मशहूर होटल माउंट एवरेस्ट में ठहराया जाए, और आप जानते हैं कि उनका हुक्म कोई नहीं टाल सकता। सुबह ठीक 9 बजे गाड़ी का हॉर्न बजाऊंगा, गाड़ी तक पहुंचने में 1 मिनट, रास्ते में 29 मिनट, ठीक 9:30 बजे गाड़ी पैलेस के सामने होगी, और आप 9:33 पर मालिक के सामने। 9:33? जी, उनका हर बड़ा काम 9:33 पर होता है। उनकी घड़ी से मेरी घड़ी मिली है, मेरी घड़ी से आप अपनी घड़ी मिला लीजिए। वक्त पर चलने वालों की घड़ी कभी गलत वक्त नहीं दिखाती है। तुम जा सकते हो। ये होटल का सबसे शानदार सूट है। यहाँ राजा, महाराजा, अम्बेसडर, मिनिस्टर और फिल्म स्टार कहते हैं। ₹10 राम सिंह, तुम 1 मिनट पहले आ गए। इसी वास्ते तो हार नहीं बजाया साहब। अंकल ठीक है? ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है 18 साल के बाद घर लौटना। मालिक समय के बहुत पाबंद है, ठीक 3 मिनट बाद आप उनके सामने होंगे, आइए। अच्छा राम सिंह, मेज के पास जाओ। उस दराज को खोलो, बंदूक है ना, उसे उठा लो। मैं ये देखना चाहता हूं अब भी वैसा ही निशाना लगा सकते हो जैसा बचपन में लगाते थे। मैं बचपन में एक ही निशाने से 6 बत्तियां बुझा दिया करता था।
ही वैसा पक्का निशाना जैसा 18 साल पहले था। रवि, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपना हर बड़ा काम 9:33 पे करता हूँ। जी हाँ। मगर क्यों, बता सकते हो? जी इसलिए कि मेरा जन्म 9:33 में हुआ था और उसी समय आपको बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ था, तभी से आप अपना हर बड़ा काम 9:33 पर ही करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तुम्हें याद है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें किस नाम से पुकारा करते थे? याद है अंकल, उस नाम को जिसमें माँ की ममता और पिता का प्यार भरा हो, इंसान तो क्या पत्थर भी नहीं भूल सकता, टिक्कू। वो मुझे टिक्कू के नाम से पुकारा करते थे। माँ, मैं जानता हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने अपने माता पिता को भी ठीक पहचाना? यानी कि मैंने आपके सारे इम्तिहान पास कर लिए। इम्तिहान? जी हाँ, निशानेबाजी से लेकर बचपन के नाम तक, माता पिता की तस्वीर को पहचानने से लेकर चुटकी बजाने की आदत तक। अब तो आपको यकीन आ गया कि मैं ही आपका बिछड़ा हुआ भतीजा हूं, असली भतीजा हूं, नकली नहीं। तुमने मेरे शक का ठीक अंदाजा लगाया रवि, लेकिन खून से खून अलग नहीं हो सकता। मैंने देखते तुम्हें पहचान लिया। और मैंने सिर्फ आपकी आवाज सुनते ही। अब मुझे आगे दीजिए कि आपको पहुंचू कर मैं अपनी तमाम गलतियों की माफी मांग सकूं। नहीं नहीं बेटे, ऐसा ना कहो। जो हो गया सो हो गया। मेरी इस बेशुमार दौलत के तुम ही इकलौते वारिस। अब तो यही इच्छा है कि जब चल बसूं, मेरे मुंह में गंगा जल डालकर अपने हाथों मेरा आखिरी संस्कार कर देना। देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं फिर कलकत्ता वापस चला जाऊंगा। मुझे आपकी दौलत से कोई वास्ता नहीं। मैं तो यहां सिर्फ आपको खुश रखना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। अरे बेटे, मेरी सेवा के लिए यहां एक बहुत होशियार नर्स है। रवि, मैंने तुम्हें माउंट एवरेस्ट होटल में इसलिए ठहराया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मेरे पास रहो और बाकी के 5 दिन घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं तो यहाँ सिर्फ आपके पास रहने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए आया हूँ। पियो मेडिसिन राजा साहब। रवि के आने से मेरी आधी बीमारी तो ठीक हो गई। बेटे मैं बूढ़ा तो जरूर हो गया हूँ, लेकिन पागल नहीं। तुम तो जवान हो, यहाँ कैदी बन के कहाँ रहोगे? यहाँ की मेंस क्लब का तुम्हें मेंबर बनवा दिया है। वहां अपना दिल बहलाओ, कार्ड्स खेलो, बिलियर्ड्स खेलो, अपनी दिलचस्पी का सामान ढूंढ लो। जी दिलचस्प लोग मिल जाए तो दिलचस्पी हमेशा लगाई जा सकती है। राजा साहब, आपको जोर से हंसने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, आज 8 साल के बाद तो हंसी आई और तुमने टोक दिया। आई एम सॉरी राजा साहब, आपके आराम करने का टाइम हो गया है। रवि एक बात का ख्याल रखना, किसी पे ये जाहिर ना करना कि तुम राजा दीनानाथ के भतीजे हो, वरना गलत लोग तुम्हें घेर लेंगे। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हेलो यंग मैन, नमस्ते। ट्रेन पर से तो आप मेरी बात सुने बगैर ही चले गए थे। मैंने सोचा कहीं बात पूरी हो गई तो बात की मुलाकात के लिए क्या बचेगा। कहिए, वो तस्वीर पूरी हो गई? जी आई मीन रूपा की। करीब करीब। तो उसे पूरी करके कल शाम को मेरे घर ले आएंगे, कल रूपा की सालगिरह है। तो क्या रूपा जी आजकल यही है? जी हाँ बिल्कुल यही है। आपको तस्वीर को देख कर वो हैरत में पड़ जाएगी। आपको मेरी तरफ से दावत है। ये मेरा कार। ये मैं जरूर आऊं। थैंक यू। यहाँ भी? हाँ हाँ, बनो मत, समझ गए तुम डुबकी मार के पानी पीती हो। हाँ। मैं सिर्फ कहती हूँ ना, मैंने डुबकी मारी है ना पानी पिया है। मालूम नहीं यहाँ कैसे आया, किसने इसे बुलाया। हम लोगों के साथ साथ इनको भी इनविटेशन भेज दिया कलकत्ता। आइए पोस्टमैन साहब,
किसी की चिट्ठी लाए हैं? अरे नहीं, आज तो पार्सल लाए हैं। शर्म नहीं आती पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? जी आया नहीं, बुलाया गया। आपके पिताजी के इनविटेशन था। अब बुजुर्गों की बात मानना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। जैसे उस रोज कलकत्ते में आपकी दादी जी ने कहा था पिकनिक पर तुम भी चले जाओ बबुआ, तो मैं आपके साथ चला गया। हेलो माय यंग फ्रेंड, हाउ आर यू? बेटी मेरे नए दोस्त मिली, लाजवाब आर्टिस्ट। एक बार किसी को देख लेते हैं याददाश्त से हूबहू उसकी तस्वीर बना देते हैं। तुम्हारी भी तस्वीर बनाई है, कहाँ है वो तस्वीर? तुम यहाँ? हाँ आ गई महारानी, केक खाइए केक खाइए। देखते ही कान में डांट लगा ली। मैं भूल गया, योर मोस्ट ओबीडियंट हैंड पिक हस्बैंड। चलो चलिए, एक्सक्यूज मी। आप इसे देखेंगी तो आईना देखने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तस्वीर आपने देखेंगी, तस्वीर में तस्वीर बनाने वाले की सूरत नजर आएगी। शट अप, न मुझे तस्वीर चाहिए न तस्वीर बनाने वाले की सूरत। आप यहाँ से जाइए। अरे मुंह मीठा करती जाइए। गुस्ताखी माफ, एक खालिश हिंदुस्तानी शायर की मौजूदगी में भला की विलायती मिठाई क्यों? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या तस्वीर हैची है हैचने वाले ने। शेर अर्ज करता हूँ, आपके पाओ में जूती बन के रहता वक्त हो मेम साहब, जरा जूती पे मुलाजा फरमाइएगा। शेर अर्ज है, आपके पाओ में जूती बन के रहता वक्त हो, आप चलती ही रहे सौ साल, फिर वो नर्म हो या सख्त हो। आदाब अर्ज है। आखिर माफ हो शायर साहब, जरा सी रद्दो बदल कर दीजिए शेर में, तो मौके और माहौल के मुताबिक बात बन गई। बात बन गई हुजूर, लगे हाथ बन गई। शेर अर्ज करता हूँ, हुस्न के जलवे मोहब्बत के बिना बेजान है। शेर बाकी है, क़िबला रुकिए जरा। अर्ज करता हूँ, हुस्न के जलवे मोहब्बत के बिना बेजान है। आप जैसा नौजवान और कदरदान हो मेहरबान, तो दो जहां कुर्बान है। दीजिए आपकी तस्वीर। को है वो नाराज, एक नाज है अंदाज है, जो भी वो अंजाम एक बहका हुआ आगाज है, क्योंकि हम कहाँ और तुम कहाँ। क्या टुकड़ा है, हम कहाँ तुम कहाँ। चलो हम कहाँ तुम कहाँ। मैंने सोचा अकेले में दूंगी अपनी मुबारकबादी, इसलिए यहाँ छुप कर आपका इंतजार कर रही थी। प्लीज थैंक यू। आपने राजा साहब के सामने उनके भतीजे का जो लाजवाब एक्टिंग किया है, उसके लिए एक बार फिर। आपका इरादा क्या है? सवालों का जवाब देना मेरी आदत नहीं। लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए इतना जान लें कि मैं आपकी दोस्त हूँ। इतनी रात गए अकेले कैसे आना हुआ? फिर सवाल। दरअसल मैं आपके पास एक सीधी सादी स्कीम लेकर आई हूँ, जिसके जरिए से हम लोग दादा साहब को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देंगे और फिर उनकी बेशुमार दौलत को आपस में आधी आधी बांट लेंगे। आपकी सीधी सादी स्कीम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आप गलती से गलत आदमी के पास आ पहुंची। रात ज्यादा हो चुकी है, अब आप ना जाना चाहें तो भी आपको जाना चाहिए। और ये रहा आपका स्कार्फ, बाहर सर्दी है काम आएगा। इसे आप ट्रेन में भूल नहीं आई थी, बल्कि जानबूझ के छोड़ आई थी। अगर आपको यहाँ के हर राज की जानकारी हासिल करनी है तो आप बहुत जल्द मेरे पास आएंगे। गुड नाइट मिस्टर रवि। आई मीन मिस्टर राजेश। इसको कैसे मालूम हो गया?
राजेश। इसको कैसे मालूम हो गया? आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूं क्या? अंदर आ सकता हूं? अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं, सितारों को झुका सकते हैं आप। मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है। गाना गाकर आपको रिझाना ना चाहिए था। आप जो कुछ भी क्या क्या आई मुझे मंजूर है। शुक्रिया। तो फिर कल अपनी स्कीम के मुताबिक उस बूढ़े दीनानाथ को दवा देने के बाद हम और तुम। ठीक है, हम और तुम आपस की बात है। जो राज आपको मालूम है उसे जानने के लिए क्या करना होगा? फिर सवाल, कह चुकी हूँ ना, दौलत आधी इधर आधी उधर। बिल्कुल ठीक है, दौलत आधी इधर और आधी उधर। राजा साहब आपकी दवा। अरे लाओ भी मरते दम तक, ये भी झंझट लगी हुई। अंकल जरा अखबार देखें। ये
किया राजा साहब, आपने तो दवा ही गिरा दी। चलो अच्छा हुआ, मरीज की दवाई का गिलास गिरकर टूट जाए तो मर्ज बहुत ही जल्द अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों किया आपने? सवालों का जवाब देना मेरी आदत नहीं। खूबसूरत जगह है। मुझे ये खुशगवार उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी आपके दर्शन हो जाएंगे। मुझे भी ये नागवार उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ भी आ पहुँचेंगे। जिस तरह इकरार प्लस इनकार इक्वल टू एतबार, उसी तरह खुशगवार प्लस नागवार इक्वल टू प्यार। प्यार का ख्वाब देखने से पहले अपनी हैसियत तो देखिए मिस्टर। हैसियत की बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे दार्जिलिंग के सबसे बड़े अमीर करोड़पति दीनानाथ के इकलौते भतीजे साहब आपके सामने प्यार का हाथ बढ़ाने आएंगे। आप जल भूनकर कोयला हो जाएंगे ये जानकर कि उन्होंने प्यार का हाथ बढ़ाया नहीं बल्कि प्यार से हाथ पकड़ लिया है और मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, काश वो खुश नसीब हम होते। कहा आप और कहा वो, क्या पर्सनालिटी है की चलते हैं तो ताकने वाले ताकते रह जाते हैं और देखने वाले बुत बन जाते हैं। शाहर्ज तो ऐसे है कि वो और डॉक के फैलर भी मुकाबला न कर सके। जी जी जी, लेकिन याद रखिए ये अमीर लोग बड़े उस्ताद होते हैं, मतलब निकलते छोड़ के चले जाते हैं दूसरा नंबर ट्राई करने। मैं उनकी हूँ वो मेरे, आपसे क्या वास्ता? वास्ता तो है ही, वरना रास्ते में मुझे देखकर आहिस्ता आहिस्ता क्या चलने लगती हूँ। मैं आपको देखकर आहिस्ता से चलने लगती हूँ। और जरा तेज और फास्ट और जल्दी। तुम झूठे हो, चोर हो। चोर हुआ तो क्या हुआ डार्लिंग, तुम्हारा दिल ही तो चुराया है। दिल चुराने वाले ये सूट कहाँ से चुराया? अरे चुराया नहीं, तुम्हें खुश करने के लिए बनवाया है। ये भी झूठ। सच बात ये है कि किसी दोस्त से उधार लिया है। ये भी झूठ। ये भी झूठ हो तो तेरा बाप मर जाए। मेरा बाप मर जाए? मेरा मतलब है मेरा बाप मर जाए। तेरा बाप मर जाए? तेरा बाप तो 5 साल से मर चुका है। आ जा किशन। अभी आया सरकार। आ गया सरकार। मेरा सूट पहन रखा है। माफ कीजिएगा सरकार, मैंने सोचा था आपका सूट पहन के आपकी पर्सनैलिटी मिल जाएगी और मोहब्बत में फतेह, मगर सरकार झूठ पकड़ गया और बहुत जूते पड़े, बहुत जूते पड़े। आपके सूट ने तो मैं उतार नहीं, मेरे साथ आ तुझे करोड़पति बना था। सरकार करोड़पति नहीं, आप मुझे सिर्फ 100 पति। मेरे साथ तो आ। चलिए खड़ा हो जा। हो गया सरकार। देख इधर। हेलो स्वीटी। क्यों बदतमीज? आ मगर ये तो गाली है। खैर कोई बात नहीं, ये तो दिल की बात है। आप अकेली हैं, साथ दूं? मैं अकेली हूँ मगर जूते दो हैं। बहुत खूबसूरत है, पहना दूं? दफा हो जाओ, लोग पर लफंगे आवारा। गाली पे गाली, मालूम होता किसी गलत जगह पे आ गया हूँ, उस्ताद से पूछ के आता हूँ। क्या पर्सनालिटी है, लोगों ने ठीक कहा था कि ताकने वाले ताकते रह जाते हैं और देखने वाले बुत बन जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी भोली भाली खूबसूरत लड़की को प्यार का सब्ज भाग दिखाकर उसे धोखा देने की कोशिश करो। ए मिस्टर, हमारे प्राइवेट मामले में आपको बोलने का क्या हक है? चले जाइए। मुझे माफ कर दीजिए डार्लिंग, आई एम सॉरी। रूपा देवी। ओ तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं, ओ तू क्या जाने दिन रात हम
जीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। ओ तेरी नजरों के जाम हम पीते हैं, ओ तेरी नजरों के जाम हम पीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। हम सारी रात सितारों से ये पूछ ले शोक नजारों से, ये पूछ ले मस्त बहारों से कि जिंदगी के सुबह शाम कैसे बीते हैं, कि जिंदगी के सुबह शाम कैसे बीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। बदली किस्मत दिलवालों की जब से हमने दौलत पाई, तेरे रंगीन ख्यालों की हर हारी हुई बाजी हम जीते हैं, हर हारी हुई बाजी हम जीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं। ओ तेरा नाम लेके, ओ तेरा नाम लेके। अच्छा तो तुम इस लड़की के साथ छुप छुप के घूम रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ए मीम साहब, ये मेरा मंगेतर हो चुका बहरा है, तुम इसके लिए चुप। अपना रास्ता नापो। चांद हथेली में रख के आपको बचाया है, शुक्रिया तो अदा करती जाइए। थैंक यू। शुक्र है पहली बार ढंग से कहीं तो। अब बनना बनाना छोड़कर सीधे रास्ते पे आ जाइए तो दोनों की हालत सुधर जाए ना, आप परेशान ना मैं पछताऊं। जी कल मिलने आएंगे ना? कल भी नहीं कभी नहीं। घड़ी मिला लीजिए, 5 बजे हैं, कल इसी वक्त दरिया के किनारे आप मुझसे मिलने आएंगे। न घड़ी मिलाऊंगी न मिलने आऊंगी, मैं इंतजार करूंगा। आप इंतजार करते रहिए, कच्चे धागे से बंधी आएंगी सरकार मेरी। तुम्हें तो घर का जरा भी ख्याल नहीं, भाई साहब की 3-3 चिट्ठियां आ चुकी, एक का भी जवाब दिया? शुरू नहीं तो क्या खत्म। जहाँ जाती हूँ वहाँ बस एक ही चर्चा है, रूपा हर वक्त उस लड़के के साथ घूमती फिरती है, लोग बदनाम कर रहे हैं और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। सुन रहे हो? ओह, और कानों में ये डांट लगा लिए। क्या करूँ महारानी, समझ में नहीं आता किससे कहूँ क्या कहूँ। क्या
ये मजाक देखती हूँ। तुम मुझे इस तरह चुप नहीं करा सकते। याद रखो, तुम जितने जोर में जाओगे उतने जोर के मैं जाऊंगी। तुम चुप हो गए, ये भी चुप हो गए। थक गई महारानी। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी ही शहर पर रूपा के पर निकले हैं। पढ़ लिख कर ये जरूरी नहीं कि आजाद होकर लड़का लड़की खुद एक दूसरे को पसंद करे। अरे आजकल के जमाने में इससे फायदा है, माँ बाप का दहेज बच जाता है। भाड़ में जाए ऐसा दहेज और आजकल का जमाना। फिर शुरू। रूपा क्या है माँ? माँ की बच्ची बड़ी आजाद हो गई है। तुझे माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है? हाँ, तुझे माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है? और क्या कह दूं? अपनी लाडली बेटी से कह दो, आइंदा कभी उससे मिलने की कोशिश की तो ताले में बंद कर दूंगी। ठीक है, आइंदा कभी उससे मिलने की कोशिश की तो तेरी माँ तुझे ताले में बंद कर देगी और मैं ताला खोल दूंगा। डैडी, ये कानाभूसी क्या चल रही है? कानाभूसी? जो तुमने कहा वो कह दिया। और क्या कहूँ? अकेले घर से निकलना बंद। अकेले घर से निकलना बंद। तेरी माँ कहती है, मैं नहीं। फिर वही? आई एम सॉरी। कान खोल के सुनो, आज से इस घर में कर्फ्यू ऑर्डर, तुम्हारा बाहर जाना बंद। तो मेरे पास आके बैठो, पेंटिंग सीखो, वायलिन सीखो और लोरी गा के माँ को सुनाओ। जी। और जब वो सो जाए तो तुम खिसक जाओ। ओह डैडी, यू आर ग्रेट। थैंक यू। अरे जयकिशन, तुम्हारी ये हालत आप ही देख लीजिए सरकार। और इसीलिए आपको भी नसीहत करता हूँ कि मोहब्बत के चक्कर में कभी मत पड़ना, वरना किसी दिन ऐसी हजामत होगी कि सारे जिस्म पर पट्टियां ही पट्टियां, पट्टियां ही पट्टियां, पट्टियां ही। मेरा वो सूट भी तुम्ही रख लो, मेरी तरफ से प्रेजेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। डैडी, क्या बात है बेटी? वो आ गए लाडली बेटी के लाडले पिता। ये भी तो कहो कि प्यार भरी पत्नी का फरमाबरदार पति, योर मोस्ट ओबीडिएंट हैंड पिक्ड हस्बैंड। बातें मत बनाओ, अपनी लाडली बेटी को समझा दो कि अगर उस लड़के से मिलना जुलना बात करना बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुरू? शुरू नहीं खत्म, शुरू नहीं खत्म, खत्म नहीं शुरू। इधर आओ। वो कोई मामूली लड़का नहीं है, करोड़पति दीनानाथ का एक लौता भतीजा है, 18 साल के बाद वापस लौटा है। बैठो नीचे और अब इस दिमाग का दौर सुनो। मैंने उसके साथ इसकी शादी की बात चला दी है। धागे से बंधे आएंगे सरकार मेरी। 5 बज गए और खुद का पता नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगी। और मुझे मालूम ना होता तो मैं कभी नहीं आती। क्या मालूम ना होता? यही कि अपनी असलियत छिपाकर आप मुझसे हमेशा झूठ बोलते हैं। तेरी से मैंने सब कुछ सुन लिया है कि आप कौन है और क्या है। लेकिन जिसे तुम सच समझ रही हो वो भी झूठ निकला तो? हर सच को झूठ कहकर मुझे कब तक बहलाते रहोगे? मेरे लिए तुम, सिर्फ तुम हो, तुम। आज मैं भी तुमसे यही कहने आया रूपा। मुझे अचानक एहसास होने लगा है कि आज तक जो मैं अपने बारे में सोचता था वो सब झूठ था, लेकिन आज जो अपने बारे में सोच रहा हूँ सिर्फ वही सच है। अब तुम्हारे सच और झूठ के बीच कोई फासला नहीं रहा।
लेकिन लेकिन अब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा जो ना होना चाहिए। रात ही बितानी पड़ेगी। वो कंबल पड़ा है। सो जाओ। और आप? मैं जागता रहूंगा और देखता रहूंगा तुम सोई कि नहीं। और अगर मैं कहूं कि आप सो जाइए, मैं जागती रहूंगी और देखती रहूंगी कि आप सोए या नहीं। यानी हम दोनों नहीं सोएंगे? यानी हम दोनों नहीं सोएंगे? नहीं सोएंगे।
हसी ये तन्हाइयां डरते नहीं हम छोड़ो प्यार की बातें छोड़ो ये बहाने आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने बातों बातों में और फरेब नहीं चलता। कब तक रूपा से असलियत छुपाते रहोगे? कब तक उसके पिता से झूठ बोलते रहोगे? अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, जाओ और जाके मोती से कह दो कि दीनानाथ के भतीजे का ये नाटक नामुमकिन है। जाओ राजेश, जाओ। देर करने से किया हुआ वक्त अभी नहीं लौटता। ऐसा मालूम होता है कहीं जाने की तैयारी है। तुम सकती हो कहा? मैं कलकत्ता वापस जा रहा हूँ। मोती से साफ साफ कह दूंगा कि झूठ और फरेब का नाटक मुझसे नहीं होता। बड़े अखबार कभी गलत खबरें नहीं छापा करते। फिर भी झूठ समझते हो तो शौक से जा सकते हो। गुड बाय। क्या कहा? मेरा सेक्रेटरी राजेश दार्जिलिंग में नाम बदलकर राजा दीनानाथ जी का भतीजा बना हुआ है? यह असंभव है। लेकिन आप कौन है? कौन है आप? हेलो हेलो हेलो। माफ कीजिए जनाब। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। लेकिन नमस्ते में माफ करने की क्या बात है? मैं कलकत्ते से आया हूँ। एक संगीन मामले की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। अरे साहब, और क्या हम यहाँ प्रेम कहानियां सुनने के लिए बैठे हैं? यही काम है हमारा। तशरीफ रखिए और जितने थोड़े में फरमा सकती हूँ फरमा दीजिए। बैठिए। आपने यहाँ के करोड़पति दीनानाथ जी का नाम सुना ही होगा। मैं तो बचपन में ही यहाँ से चला गया था। जब 18 साल बाद उनकी बीमारी का हाल सुनकर यहाँ आया तो मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा सेक्रेटरी मेरे नाम से उनका भतीजा बनकर यहाँ घूम रहा। लेकिन वो आदमी ये जालसाजी क्यों कर रहा है? ये तो वही जाने। भगवान किसी को अमीर बनाकर भेजता है और कोई गलत रास्ता अपनाकर अमीर बनने का लालच करता है। लालच? उस लालची को शायद पता नहीं कि उसका पाला रतन सिंह से पड़ा है। मिस्टर रमेश। यस सर। उस केस को बाद में देखिएगा, पहले आपकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जाइए। राजेश, सच्चाई छुपाने से झूठ का रूप बड़ा हो जाता है। इंसान खुद अपने आप को खो बैठता है। अब भी जाओ, दीनानाथ जी को जाके बता दो कि उनका असली भतीजा मर चुका है और तुम कौन हो। जाओ राजेश, जाओ। हेलो जी। जी जी अंकल। रवि बेटा, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। जी मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो हेलो। उसका नाम? यहाँ तो उसने मेरा ही नाम रखा हुआ है, मगर असली नाम है राजेश दीक्षित। राजेश दीक्षित कलकत्ते का? हेलो, दार्जिलिंग पुलिस स्टेशन। मैं राजा दीनानाथ बोल रहा हूँ। एक आदमी अपने आप को मेरा भतीजा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो दरअसल मेरा कोई नहीं है, एक जालसाज धोखेबाज है। आप फौरन आ जाइए, मेरी जान खतरे में है। आ गए रवि जी। मैं खुद ही आ रहा था।
ये कहने के लिए कि मैं आपका असली भतीजा नहीं। मैं और ज्यादा आपको धोखा नहीं दे सकता, और ये जानकर आपको सदमा पहुंचेगा कि आपका असली भतीजा इस दुनिया में नहीं है। इस वक्त जो मैं कहता हूं वो करो। जी, लेकिन कमरे में अंधेरा क्यों है? लाइट ऑफ कर दो। सामने वाली खिड़की का पर्दा गिरा दो। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। जल्दी से वो ड्रार खोलो। रिवाल्वर है ना, उसे फौरन उठा लो। परेशान ना हो, रिवाल्वर लेकर मेरे पास आओ। वो लोग किसी वक्त भी आ सकते। कौन लोग अंकल? आपको किसका डर है? मेरे पास आओ और पास आओ। मैं आपके पास हूं, फिर आप पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अंकल, अंकल, अंकल। ये बात कैसे करे थी? ये आवाज कैसी? ठहरो, स्विच पर से उंगलियों के निशान देना होंगे। रमेश, तुम यहां? अच्छा हुआ तुम आ गए। दीनानाथ जी का किसी ने खून कर दिया है। किसी ने? एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे में खून और सामने लाश। इससे साफ जाहिर होता कि तुमने। लेकिन ये कौन? जिसका खून किया है उसे नहीं पहचानते? नहीं, ये वो नहीं जिनसे मैं मिला करता था। ये राजा दीनानाथ नहीं है। राजा दीनानाथ जी को कौन नहीं पहचानता? इन्हें दार्जिलिंग का बच्चा बच्चा जानता है। इंस्पेक्टर साहब, यही मेरा सेक्रेटरी है राजेश, और ये है मेरे चाचा राजा दीनानाथ जी, जिनके दर्शन के लिए 18 साल से मैं आता था। भगवान ने कितना मजाक किया है मेरे साथ। आज जब मैं इनके सामने आया हूं, ये देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। राजेश, तुमने मेरे उपकारों का ये बदला दिया। अगर तुम्हें धन का ही स्वाद था तो मुझसे कहा होता। मेरे बूढ़े बीमार चाचा जी का अच्छा कर तुम्हें क्यों मिला? मेरे आपके चाचा? नहीं नहीं, और अगर ये सच है, अगर आप इनके सके भतीजे हैं, तो वो कलकत्ते वाला मोती जो अपने आप को इनका असली भतीजा कहता था वो कौन था? अगर यही दीनानाथ जी हैं, तो जो यहाँ दीनानाथ बन के रहता था वो कौन था? क्या सच है क्या झूठ है? लेकिन ये सच है रमेश, कि इस महल में जिंदगी और मौत के बीच किसी राज का कोई खतरनाक और पेचीदा खेल खेला जा रहा है। मुझे अफसोस है राजेश, तुम मेरे दोस्त हो और रिश्तेदार भी, लेकिन मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। बढ़ो रमेश, तुम्हारा फर्ज है कि खूनी का पता लगाओ। लेकिन अगर मुझ निर्दोष को तुमने गिरफ्तार कर लिया तो ये राज राज ही रह जाएगा। इसलिए जब तक मैं इसके खूनी का पता ना लगा लूं, मैं कानून के शिकंजे में आकर खून का झूठा इल्जाम अपने सर पर नहीं ले सकता। अरे सर, भगवान, मुझे पहले ही मालूम था कि वो एक दिन अपने पिता के नाम को कलंक लगाएगा। मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगा। लेकिन ये किसे मालूम था कि वो एक दिन खूनी बनेगा? मेरा भैया खूनी नहीं हो सकता, जरूर से किसी ने जाल में फंसाया है। वो कोई बच्चा नहीं है जो किसी ने उसे फंसाया हो। मैं कोई अंधी नहीं हूँ जो सच्चाई न समझ सकूं। मैं पूछती हूँ, तेरी शादी के लिए वो इतना रुपया कहाँ से लाया था? शादी होते ही भाग क्यों गया था? क्यों अपना नाम बदल के शेख दीनानाथ का भतीजा बना था? माँ, ये तुम्हारे मन की नाराजगी बोल रही है। वो तुम्हारा बेटा है माँ। तुम्हारी ममता और शक्ति अगर उसे ना मिली तो ये दुनिया उस निर्दोष को जीते जी फांसी पर चढ़ा देगी। जो किया है सो जरूर भुगतेगा। अगर वो निर्दोष है, सामने क्यों नहीं आया? रमेश को क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों नहीं कहा? क्यों दुनिया के हाथों में धूल झोंकता छिपता फिर रहा है? ये क्यों निर्दोष है? निर्दोषी है, दोषी है। नहीं, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है।
उनका दोस्त है तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। उसने पाप नहीं किया, वो खूनी नहीं है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मुझे बचपन की दोस्ती, तुम्हारा संबंध, माँ के आंसू और अपनी मजबूरी पर तरस आ रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने आप को और कानून को धोखा नहीं दे सकता। तुम नहीं जानती, मेरे अफसर मुझ पर इल्जाम लगा रहे कि वो मेरे बचपन का दोस्त है, संबंधी है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे भाग जाने का मौका दिया। मैंने कसम खाई है कि मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। चंदा नन्ना के रिश्ते, दोस्ती और दिल को फर्श के रास्ते की रुकावट हरगिज नहीं बनने दूंगा। मन के संबंध कहने से नहीं टूट जाते। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे ख्याल भी नहीं था कि अपनी मजबूरी और इंसानियत के नाम पर जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसके बदले मेरे लिए हथकड़ी और फांसी का फंदा तैयार होगा। मोतीराम के आदमी ने मेरी बहन की शादी का खर्चा इस शर्त पर दिया कि मैं उसके रूप में 18 साल से बिछड़ा हुआ दीनानाथ का भतीजा बन के पेश आऊं। मुझे क्या मालूम था कि चाचा भतीजा दोनों नकली हैं। ये देखो, मैंने याददाश्त से उन दोनों की तस्वीरें भी बनाई हैं। ये गुनाह कौन कर रहा है, उसकी क्या चाल है, उसने मुझे क्यों फंसाया, यह सवाल है रूपा, जिनका जवाब हासिल किए बगैर मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर सकता। तुम्हें नाम बदलने का और कहानियां बनाने का शौक है रूपा। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने पहले भी कई बार सोचा कि तुम्हें असलियत बता दूं, मगर हर कदम पर इतनी उलझन आती चल गई और अब मैं ऐसा फंस चुका हूं कि जब तक इस राज का पर्दाफाश न कर तो बचने का कोई रास्ता नहीं। रूपा, तुम्हारा यकीन मेरा सहारा बन जाएगा वरना मैं टूट जाऊंगा। मैं पहले ही टूट चुकी हूं। बहन से राखी बंधवाने रहा था तो ये शुभ दिन किसके लिए रहता? नहीं भैया नहीं, आज राखी का दिन नहीं है, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। चले जाओ भैया, चले जाओ। तू कानून और पुलिस से डरे, लेकिन कानून सिर्फ इंसान को रोक सकता है, बहन के पास आने में भाई के प्रेम को हरगिज नहीं रोक सकता। तुम्हें मालूम नहीं भैया की मैं तुम्हें गिरफ्तार करने पर तुल मैं अपने आप को बेकसूर साबित करना। मुझे पूरा विश्वास है की तुम बिल्कुल बेकसूर हो। मैं दुनिया से यही कहती हूँ, आखिर मेरी वकील है। ले बांध राखी, अकरा मुंह मीठा भैया। कहीं पुलिस को पता न चल जाए। पुलिस को चेक मत देना, मेरे पाए हाथ का खेल। माँ माँ, मुझे माँ कहकर पुकारते हो, तुझे लज्जा नहीं है? और आया इस हाथ पर राखी वर्मा, मेरी साथ में खून किया है। माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैंने खून नहीं किया है, लेकिन अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए मुझे सबूत की तलाश है, और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं निकालूंगा मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन तुम यकीन करो कि तुम्हारा बेटा वैसा नहीं है कि जैसा तुम समझ रही हो। तू रख चंदा, जिस हाथ से राखी बांधी उस हाथ से खोल के फेंक दे इसे। अब जैसे मैं संतोष करूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं है, वैसे तुझे भी सामने करना पड़ेगा कि तेरा कोई भाई नहीं है, तेरा कोई भाई नहीं है। मां,
माँ एक निर्दोष को फांसी की सजा से बड़ी सजा मत दो, उससे अपनी माँ को माँ कहने का अधिकार मत छीनो। दुनिया के इल्जाम पर खून को खून से अलग करने की कोशिश मत करो माँ। एक खूनी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। रक्षा का कवच तोड़ दिया तुम। ये क्या किया माँ, ये क्या किया तुम, क्या किया? जिसका इंतजार था वो आ गया। तुम लोग मकान को घेर लो। यस सर। इंस्पेक्टर राम और आप लोग मेरे साथ। कुछ पता नहीं, कुछ करो माँ। आपका बेटा कहां है? ओ, तो ये बात। खैर मत बताइए। दरवाजा खोलो वरना। सब जानता हूं, तीन गिनने से पहले दरवाजा खोल दो वरना ऐसे भी गोली छोड़ा दूंगा। अब क्या होगा? एक, दो। अपनी बहन की आड़ में अपने आप को छुपा रहे हो। मेरी बहन तुम्हारी पत्नी भी है और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ किसने कुछ भी करने की कोशिश की तो आप देख रहे हैं कि ये चाकू भी अपना काम करने के लिए तैयार है। राजे, जो बहन तुम्हें राखी बांधने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई हुई थी उसे रक्षा का वचन देने की जगह उसकी जान लेने पर आमादा हूँ। अगर मेरी ही जान न रही तो जीवन भर बहन की रक्षा कैसे कर सकूंगा? कैसे ढूंढ निकालूंगा उस सच्चाई को जो असली खूनी को खूनी और निर्दोष को निर्दोष साबित कर देगी? कहानियां दिलचस्प होती लेकिन उनसे सच्चाई पर पर्दा नहीं पड़ता। रास्ते से हट जाइए। चंदा, स्त्री के लिए सुहाग का सिंदूर और भाई के लिए बहन की राखी दोनों ही अनमोल है। जिस रक्षा बंधन के लिए जाना तेरे लिए रख के आया था उसे कैसे भूल सकता हूं? उठा राखी। तोले वापस रख दो वरना। दोस्त की तमन्ना थी कि हाथ में हथकड़ी शोभा दे, लेकिन मुत्तई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है, खुदा होता है। चंदा, भाई बहन की रक्षा करते हैं लेकिन आज एक बहन ने भाई की रक्षा की है, तेरा सुहाग अमर है। भैया thank you.
मेरी नजरों से ओझल होकर भाग निकलना। आपको दीनानाथ कहूं या दीनानाथ का खूनी, ये राज बताए बता। मैं आपको यहाँ का सब राज बता दूंगी। जब उन लोगों ने मेरे पिताजी का खून कर ही दिया तो मैं उनसे बदला लूंगी। किन लोगों ने, किससे बदला लेना चाहते हो? लेकिन आप यहाँ? मैं इनका पीछा करता करता यहाँ आ गया। इससे पहले कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, तुम्हें यह राज मुझे बताना होगा। चलो मेरे साथ। लेकिन पिताजी को? अगर ये किसी गिरोह में शामिल थे तो पुलिस तुम्हारा कर लेगी। इसलिए बेटे ये मेरे साथ निकल जाओ। आप सब सुनना चाहते थे ना? सुनिए, मेरे पिताजी दौलत के लालच में पागल होकर अमीर बनने के लिए कुछ भी करने पर तुल गए थे। उन्हीं के कहने से मैंने आप पर नजर रखी और उस रात मेरे बिजनेस प्रपोजल पर आपके इनकार करने से नकली दीनानाथ बने हुए मेरे पिताजी को पूरा इत्मीनान हो गया था कि आपको पैसे का लालच नहीं है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है। यही कि दीनानाथ की तमाम दौलत के असली वारिस आप हैं। मैं? लेकिन मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं, मुझसे उनका क्या रिश्ता है? आपके पिताजी और दीनानाथ करोड़ों के बिजनेस में हिस्सेदार थे। दीनानाथ ने बेईमानी करके आपके पिताजी को धोखा दिया था, जिसके सदमे से उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन आखिरी दिनों में दीनानाथ की आंखें खुली और उन्होंने सब कुछ आपके नाम लिख दिया था। उस वसीयतनामे के गवाह मेरे पिताजी और मोती थे। लेकिन वो वसीयतनामा कहाँ है? उसे हासिल किए बगैर कानून हमारी किसी भी दलील पर यकीन नहीं करेगा। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। जुल्म सहते सहते मर गए, लेकिन दीनानाथ जी ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। कहाँ उन पर जुल्म करते थे? उन्हें कहाँ कैद करके रखा था? शिकारगाह के गार्डन हाउस में। राजा दीनानाथ यही एक सुराग छोड़ सके थे।
मुझे पूरा विश्वास है कि उसी अंगूठी के जरिए सारा राज मालूम हो सकता है, लेकिन उसे हासिल करना कोई मुश्किल नहीं। कैसे? मत भूलो कि मेरी बेटी रूपा मेरी किसी बात के लिए भी ना नहीं करेगी। अगर किया भी तो मैं उसे समझा दूंगा कि हाँ और ना में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। अति सुंदर, कलकत्ते में जब से मैंने इनकी फोटो देखी तभी से ऐसा अनुमान था कि मेरी जीवन संगिनी के रूप में यही मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो सकती हैं। रवि बेटा, वो तो भगवान ने लाज रख ली कि वक्त रहते असलियत खुल गई, वरना वो खूनी राजेश नकली रवि बनकर बेवकूफ बना ही रहा। अजी मुझे भी तो कुछ कहने दो, मेरी बेटी के तो भाग जाग गए। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि इसे तुम जैसा वर मिले और ऐसे राजमहल जैसा घर, अब हाँ कह दो तो। मेरी हाँ तो है ही, लेकिन इनकी सम्मति भी तो आवश्यक है। बेटी शर्माती क्यों है, ये तुमसे हाँ सुनना चाहते हैं। हाँ कह दो बेटी, वैसे हाँ ना में कोई ज्यादा फर्क नहीं। संसार में कौन सी ऐसी अभागिनी लड़की होगी जो धरती पे मिले स्वर्ग को ना कहकर ठुकरा दे। रूपा देवी ने हाँ कहकर मुझे सब कुछ दे दिया है, देखिए ना। इस खानदान की परंपरा के अनुसार सगाई के अवसर पर इन आभूषणों को पहनकर मेरे जीवन की और इस महल की मर्यादा बढ़ाएंगे। आज रूपा देवी की सगाई आपके साले साहब अपनी मोहब्बत की बर्बादी के जलसे में किसी न किसी भेस में जरूर शामिल होंगे। आप उन्हें आसानी से गिरफ्तार करके आज अपनी कसम पूरी कर सकते हैं। थैंक यू सर, गुड लक टू यू। तुम दोनों को सदा सुखी रखे। बाबूजी, बेटा तुझसे कह रहा हूं, मेहमान लोगों का आने का वक्त हो गया है। आप लोग विराजिए, मैं उनके स्वागत का प्रबंध करता हूं। बहुत अच्छा, चलिए।
माफ कीजिए, हम इस जश्न में शरीक होने के लिए हाजिर हुए हैं। अगर तकलीफ ना हो तो दाखिल होने के लिए थोड़े से रास्ते की गुंजाइश करने की मेहरबानी कीजिए। जरूर शुक्रिया शुक्रिया। हम आ जाओ भाई, ये गिरात। कौन हो तुम, कहाँ जाते हो, क्या नाम है? बैठिए बैठिए। तुम सब लोग यहाँ पे सख्त नजर रखना, किसी पर भी शक हो तो फौरन मुझे बोलना। बहुत अच्छा जी मैम। हम दिल का फसाना पेश करते हैं, मुबारकबाद कह के एक तराना पेश करते हैं। तूने सूरज छुपाई, तूने चिलमन गिराई, हर जब किरण मुस्कुराई, चांदनी रात आई, चांद से तेरे घर का हम पता पूछ लेंगे, हम तुझे ढूंढ 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 लेंगे, तुझे ढूंढ लेंगे, तुझे ढूंढ लेंगे, हम तुझे ढूंढ लेंगे, हम तुझे ढूंढ लेंगे। सितारों की खबर रखते हैं हम, बड़े वो हैं, बड़ी तेज नजर रखते हैं, ये इश्क हुस्न की महफिल को ढूंढ लेता है, वो ढूंढ लेता है, हाँ ढूंढ लेता है, ये कत्ल हो के भी, ये कत्ल हो के भी कातिल को ढूंढ लेता है, वो ढूंढ लेता है, हाँ ढूंढ लेता है, हाँ चमन के फूल, चमन के फूल बहारों को ढूंढ लेते हैं, साथ बादे सबा के मस्त खाली खटा के जाएंगे हम चमन में, हुस्न की अंजुमन में, गुल से तेरी गली का हम पता पूछ लेंगे, हम तुझे ढूंढ लेंगे, हम तुझे ढूंढ लेंगे, हम तुझे ढूंढ लेंगे। तमाशा एक यहाँ होगा, हमारे तो इशारे पे जमीन पे आसमां होगा, नजर का तीर निशाने को ढूंढ लेता है, वो ढूंढ लेता है, हाँ ढूंढ लेता है, ये दिल का साज, ये दिल का साज तर
ढूंढ लेता है, ओ ढूंढ लेता है, हाँ ढूंढ लेता है। नजर उठे तो, नजर उठे तो नजारों को ढूंढ लेती है, नजर उठे तो नजारों को ढूंढ लेती है। साज हम तू तराना, तीर हम तू निशाना, क्या है मतलब हमारा, तू समझ ले इशारा। भेस अपना बदल के, हम कोई चाल चल के, तुझसे ही तेरे घर का रास्ता पूछ लेंगे। हम तुझे ढूंढ लेंगे, हम तुझे कानून के हाथों से बच निकलना मुश्किल। ले चलो उन्हें। इन्हें हवालात में बंद करो। और एक बजाय दो गार्ड्स लगा दो। यस। वेल डन रमेश, वेल डन। सिंह साहब, मैं ये कहने आया हूं कि हथकड़ी असली अपराधी को पहनानी चाहिए। क्या मतलब? राजा दीनानाथ का खूनी राजेश ने। तो फिर खूनी कौन है? खूनी से ही पूछ रहे हैं खूनी कौन है। पहनाइए इन हाथों में हथकड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप और खूनी? हरगिज नहीं। मैंने सोचा था शराफत की नकाब में छुपकर कानून को धोखा देता रहूंगा, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रही कि मेरे पाप की सजा एक निर्दोष नौजवान को मिले। मुझे जो कुछ करना था मैंने कर लिया। अब प्रायश्चित इसी में है कि मैं अपने किए की सजा भुगतूं। आप जो कुछ कह रहे हैं सब झूठ। ये सही है कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन इनका भी खून से कोई वास्ता नहीं। लेकिन आपने दीनानाथ जी का खून क्यों किया? दिली खुशी के कारण। बदले की चिंगारी कब से मेरे दिल में भड़क रही थी। मेरी सारी दुश्मनी थी सिंह साहब। मेरा बयान नोट कर लीजिए। लेन देन के मामले में मुझे बेवकूफ बनाकर वो खुद बड़ा आदमी बन बैठा। इसी ईर्ष्या के कारण उस रात को मौका पाकर मैं उसके कमरे में जा पहुंचा। मुझे देखते ही उसने पिस्तौल निकाली। आखिर मैं भी इंसान हूं सिंह साहब, मेरा भी खून खौल उठा और मैंने लपककर उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और उसी जोश में फायर कर दिया। एक ही गोली में वो सदा के लिए सो गया और मैं पीछे के दरवाजे से भाग निकला। नहीं नहीं, ये मैंने क्या सुना? आप यहाँ क्यों आए? कमिश्नर साहब, इन्होंने जो कुछ कहा वो गुस्से में आकर कहा। ये आदमी का तो क्या, एक मक्खी का भी खून नहीं कर सकते। मुझसे झगड़ कर मुझे डराने के लिए न जाने क्या क्या कहा होगा। रूपा की माँ, जो कुछ होना था सो हो गया। मैंने तुम्हें और रूपा बेटी को सुखी बनाने के लिए सब कुछ किया था। लाइए, ये मैं अपने बयान पर दस्तखत करूंगा। नहीं, 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 नहीं। अच्छा, उसने गुनाह कबूल करके एक निर्दोष को बचा लिया। आपने ऐसा क्यों किया? राज तभी तक राज रहता है जब तक वो राज है। मैं आपकी बात समझा नहीं। तुम्हारा जो मकसद अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए यही एक सूरत थी। बेटा हो गया,
मालिक खून के अंजाम में पुलिस स्टेशन गया हुआ है। क्या? हाँ बेटी, राणा भी घबरा के वहीं गया हुआ है। अब क्या होगा? अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से गाड़ी चलाएंगी। राइट टर्न मारो। प्रसाद जी और मोतीलाल जी की मौजूदगी में मैं अपनी तमाम दौलत से अपने इकलौते भतीजे रविनाथ शर्मा को बेदखल करते हुए अपने पुराने दोस्त स्वर्गीय रतनलाल दीक्षित के बेटे राजेश कुमार दीक्षित को अपना वारिस बनाता हूँ। यानी मैं दीनानाथ जी की दौलत का मालिक। देवी की जान खतरे में, फौरन पुलिस में खबर करो और मैं यहां पर आने का रास्ता है, जाने का नहीं। छोड़ दो मुझे। मिस रूपा, क्यों इन अनमोल मोतियों को बर्बाद कर रही हो? बता क्यों नहीं देती कि उस अंगूठी में क्या राज था? तुमने क्यों असली रवि उर्फ को नकली प्यार के जाल में फंसाया? क्यों उसके साथ मंगनी का ढोंग रचाकर खानदानी जेवरों से अपने खूबसूरत जिस्म को सजाया? क्यों उस नकली कव्वाल राजेश को वो मंगनी की खानदानी अंगूठी दे दी? इसीलिए कि तुम्हें मालूम था कि उस अंगूठी में क्या राज है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको सब कुछ मालूम है। आपने किन अदाओं से राज लिया और किस खूबसूरती से अपने आशिक को राज दे दिया? ये सब गलत है। न मैंने कोई राज लिया है न दिया है। मुझे छोड़ दो, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। राम सिंह, इनके नाजुक बदन पर इनके आशिक के नाम की छाप लगा दो और पूछ लो उस मंगनी की अंगूठी में क्या राज था। जो मकसद के लिए तुमने अपने जान पर खेल के मेरा साथ दिया पूरा हो गया है। बहुत खूब,
यानी असली शिकार भी खुद ब खुद शिकारी के पास आ पहुंचा। इस राज से पर्दा हट चुका है कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। मैं वक्त जाया करने का आदि नहीं हूँ। अंगूठी का राज मेरे हवाले कर दो। अंगूठी का राज है राजा दीनानाथ का वसीयतनामा। वो वसीयतनामा जिसके दो जानकार गवाह मोतीलाल और बद्री प्रसाद आपके नकली भतीजे और नकली चाचा आपकी रिवॉल्वर के शिकार हुए। वो वसीयतनामा जिसको हासिल करने के लिए आपने दीनानाथ का भी खून किया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया। वो वसीयतनामा जिसके वजूद और मिटा देना चाहते हैं। इसलिए राजा साहब ने अपने असली भतीजे रवि उर्फ श्याम को बेदखल करके अपने पुराने दोस्त मिस्टर दीक्षित के बेटे राजेश यानी मुझे तमाम दौलत का हकदार बनाया। मैं आपके सीधे साधे श्याम साहब को भी अपने रास्ते से हटा चुका हूँ और अब अकलमंद राजेश बाबू की बारी है। आपने श्याम बाबू का भी खून कर दिया। मुझे अफसोस है लेकिन मैं अपने रास्ते की हर रुकावट दूर करके कानून की नजरों में अपने आप को राजा साहब का वारिस साबित करने का पूरा इंतजाम कर चुका हूँ। कानून सच्चाई को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कानून सबूत को ही सच्चाई मानता है। सच्चाई मैं हूँ, सच्चाई आप हैं और सबूत है ये वसीयतनामा। बहुत खूब, यानी अंगूठी में छुपे राज के जरिए इसे असली हकदार ने नकली हकदार को असली बनाने के लिए हासिल कर लिया। शुक्रिया। इसे आप नहीं ले सकते क्योंकि यही एक सबूत है जिससे आप कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। आप मौत से खेल रहे हैं। जिंदगी कायम रखने के लिए इंसान को हर कदम पर मौत से खेलना पड़ता है लेकिन आप वक्त से खेल रहे थे और अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। मेरे पांच गिनते ही आपका भी वक्त खत्म हो जाएगा। एक, ये जरूरी नहीं कि पांच गिनने के बाद ही आप रिवॉल्वर चलाएं। दो, तीन, चार, पांच, आप बोलेंगे या मैं बोलूं? शुक्रिया रूपा देवी, आपने न सिर्फ अपने आशिक की जान बचाई बल्कि मेरे पिस्तौल की एक गोली को भी जाया नहीं होने दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ कोई सबूत बाकी रहे। ये वसीयतनामा अभी जलकर राख बन जाएगा। Police!
तकदीर से बचने के लिए एक बेगुनाह ने यह चाकू अपनी बहन के गर्दन पर रखा था। आज वही बेगुनाह वही चाकू एक मुजरिम की गर्दन पर रखकर उसे गुनाह कबूल करने का हुक्म दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको असली अपराधी को जिंदा गिरफ्तार करना है तो उस वक्त तक नजदीक मत आइए जब तक ये गुनाह का इकबाल न कर ले। क्या ये सच नहीं कि आपने इस नकली चेहरे में अपना असली चेहरा छुपाकर दौलत के लालच में अपने चाचा दीनानाथ का खून किया? नहीं। क्या ये सच नहीं कि आपने अपना रास्ता साफ करने के लिए मोतीलाल बद्री प्रसाद और उसके बाद उसकी बेटी का खून किया? नहीं नहीं। श्याम श्याम को नहीं मार सकता मिस्टर श्याम, मैंने आपको पहले ही पहचान लिया था। ये जो कुछ कह रहा है झूठ कह रहा है, इन सब बातों का क्या सबूत है इसके पास? सबूत है राजा साहब का ये वसीयतनामा। रमेश, यही वसीयतनामा झूठा है, असली वसीयतनामा तो मैंने पहले ही चला दिया था। चला दिया था? आप नकली चाचा और नकली भतीजा बना सकते हैं, आप अपना दूसरा रूप बनाकर दुनिया को धोखा दे सकते हैं, तो क्या मैं एक रद्दी कागज को नकली वसीयतनामा नहीं बना सकता? इस असली वसीयतनामे से सारा राज खुल गया। रमेश, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। वेल डन माय बॉय, वेल डन। राजेश, जिस अंगूठी ने हरुलचंद सुल आज वही अंगूठी दो दिलों को कैसे बंधन में बांध रही है जो कभी टूट नहीं सकता। इस शानदार मौके पर एक जवान मर्द को एक तजुर्बेकार बुजुर्ग मर्द की सलाह। बहुरानी को रानी बनाकर जरूर रखना, लेकिन मेरी तरह अपनी पत्नी को महारानी बनाकर उसके मोस्ट ओबीडियंट हैंडपिक्ड हस्बैंड यानी परम घोर आज्ञाकारी दास बनने की कोशिश मत करना। इसी में पुरुष जाति की भलाई है, समझे बेटा? आपकी आज्ञा सर आंखों पर, ससुर जी।